भगवान ऋषभदेव जन्मजयंती महोत्सव निमित्ताने जैन मुनी आचार्य विशुद्ध सागर महाराज यांच्या संघाचे श्री ज्ञानतीर्थ कमल मंदिर येथे विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या प्रसंगी आचार्य विशुद्ध सागर महाराज म्हणाले की आज जगभर युद्ध परिस्थिती निर्माण झाली असताना सर्व समाजाला भगवान महावीरांच्या विचारांची गरज असून घरात असताना आपल्या पुरता समाज असावा, परंतु बाहेर पडल्यानंतर प्रत्येकाने विश्व हा समाज हा मंत्र जोपासला तर जगामध्ये शांतता निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही। त्यासाठी चांगल्या संस्काराची गरज असून एकीकडे अल्पवयीन मुलांकडून होत असलेले गुन्हे बघता आता सरकारने वयाची जी 18 वर्षांची अट आहे त्याकडे देखील गंभीरपणे बघण्याची गरज असून केवळ अल्पवयीन आहे म्हणून त्याने जो गुन्हा केलाय त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही असं मत आपल्या प्रवचनात व्यक्त केलंय। यावेळी निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल, उद्योगपती कैलास ठोळे, GST चे अधिकारी सुमील काळे, राजाभाऊ पाटणी, उद्योजक किशोर गंगवाल, साई अरिहंत पतसंस्थेचे चेअरमन सतीश गंगवाल, संजय पापडीवाल, प्रेमाबाई बच, शोभा ठोळे, फुलचंद्र पांडे, महेंद्र काळे, शिखरचंद्र कासलीवाल, सूरजमल गंगवाल आदींसह विविध मान्यवर उपस्थित होते। विशुद्ध सागर महाराज म्हणालेत की भाषण करणे ही एक कला आहे, आपले विचार त्या माध्यमातून लाखो लोकांपर्यंत मांडता येतात, त्यासाठी चांगलं वाचन गरजेचं आहे। माणसाने मोहमाया आणि स्वार्थाचा त्याग केला पाहिजे तर मोठी मनशांती मिळते, मात्र माणूस या त्रिसूत्रीचा त्याग करायला तयार नाही। एक वेळ मृत्यूला जवळ करायला तयार आहे परंतु माणूस त्याग करायला तयार नाही, ही खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे। देशभर भगवान महावीरांचा विचार सर्व समाज बांधवांपर्यंत पोहोचविण्याचा आपला संकल्प असून त्यासाठी पंथभेद नष्ट करून सर्व बांधवांनी काम करण्याची गरज आहे। ज्ञानमती माताजी यांनी जगाला श्रद्धा आणि सबुरीचा संदेश देणाऱ्या साईंच्या पावनभूमीत ज्ञानतीर्थ क्षेत्र उभे करत केलेले कार्य बघितल्यावर मनाला मोठं समाधान मिळाल्याचं सांगितलंय। यावेळी विविध विषयावर त्यांनी आपले मत व्यक्त केलं। यावेळी अशोक गंगवाल, शीतल पाटणी, प्रमोद कासलीवाल, पारस जैन, अशोक पाटणी, सुधीर बैंज, रमेश चुडीवाल, डॉक्टर अनिल गंगवाल, मनोज ठोळे, राजेंद्र गंगवाल, सुभाष झांझरी, पत्रकार किशोर पाटणी, उपेंद्र मिश्रा आदींसह विविध मान्यवर उपस्थित होते। सनातन त्रिकालीन अनादि अनंत श्रवण संस्कृति में 24 तीर्थंकर परंपरा ये सनातन परंपरा है। सनातन शब्द जो है ये धर्मवाची नहीं है, ये कालवाची है। कालवाची शब्द को धर्म में जोड़ करके किसी एक धर्म को आप सनातन नहीं कह सकते हो। सनातन कालवाची है जो त्रिकालिक है, अनादि अनंत है। ऐसा जिन शासन, जिन आचार, जिन शेषों में महाप्राण ने सनातन धर्म कहा है। इसलिए आचार्य प्रभु जिन शेषों में आदि प्राण में जब भगवान ऋषभदेव का व्याख्यान किया, वहां कुल प्रभु की व्याख्या की है। वेदिक दर्शन में 16 मनु हैं, 14 मनु है मरा कुलकर है, जो लोक व्यवस्था में सहकारी बनते हैं, कुलकर होते हैं। कुल को धारण करते हैं वे कुलकर होते हैं, और कुलकरों की जो संख्या है उसे आगमन आचरण ने वर्णित की है। ऐसे 14 कुलकर, उन 14 कुलकरों में भगवान ऋषभदेव के पिता महाराज नागराज अंतिम कुलकर थे। यदि 16 मनु मानते हैं वैदिक दृष्टि में, तो उनके दृष्टि में ऋषभदेव भी मनु और चक्रवर्ती मनु, ऐसे 16 हो जाते हैं। परंतु जब जब जैन दर्शन की व्याख्या प्रारंभ होती लोक में, तो भगवान महावीर स्वामी से लोग प्रारंभ कर रहे हैं, भूल करना नहीं। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर, इसके पूर्व 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। यदि हम ऋषभदेव को आगे लेके आते हैं तो विश्वास मानना
जब हम वहाँ ऋषभदेव के पास पहुँचते हैं तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म तृतीय काल में हुआ। जब भारत भूमि पर भोग भूमि थी उस समय भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया। धीमे धीमे संपूर्ण कल्पवृक्ष समाप्त हो गए, मात्र एक कल्पवृक्ष अवशेष था जो महाराजा नागराज के अंगन में था। जो लोग त्राहिमान त्राहिमान कर रहे थे तब भगवान ऋषभदेव के पास ही पिता नागराज ने प्रजा को भेजा कि हमारा पुत्र आपको सब बताएगा, विकल मत करो। असीम से कृषि विद्यावान सेठ को ये संपूर्ण विश्व को शिक्षा देने वाले कोई है तो तीर्थंकर ऋषभदेव है। इस युग के प्रथम सम्राट ऋषभदेव है। और जब ऋषभदेव युग प्रारंभ करते हैं इसके बाद ही उन्हीं के पुत्र चक्रवर्ती पद को प्राप्त होते हैं, उन्हीं का पुत्र कामदेव होता है। और इसके बाद ही 24 तीर्थंकर ही नहीं 24 कामदेव, 24 माता पिता तीर्थंकर के, तो 24 चक्रवर्ती पुत्र। आपको मालूम होना चाहिए बाह्य चक्री नो नारायण, नो प्रति नारायण और 11 रुद्र, नो बलभद्र, ये जो भी हुए हैं ये भगवान ऋषभदेव के बाद हुए हैं। जो भी हुए हैं भगवान ऋषभदेव के बाद हुए हैं। इसलिए भारत की भूमि पर कोई धर्म के रूप में उत्तर महाराष्ट्र लाइव साठी किशोर पाटनी शिर्डी।